सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। उसके घर में जब जसलीन मथारू हुआ करती थी तब रोमिल चौधरी अक्सर उनके साथ डांस करते हुए नजर आया करते थे, जहां पर जसलीन मथारू ने डांस सिखाती और वो उन डांस स्टेप्स को फॉलो करते थे। जब से जसलीन मथारू घर से गई हैं, तब से रोमिल चौधरी काफी अकेला अकेला फील करते हैं। ना ही वो घर में गाना गाते हुए नजर आते हैं और ना ही डांस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन काफी वक्त के बाद रोमिल चौधरी घर में डांस करते हुए नजर आए और इस बार उन्होंने बहुत ही अच्छा डांस फॉर्म चूज किया सीखने के लिए। वो इस दौरान करणवीर बोहरा से भरतनाट्यम सीख रहे थे। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब रोमिल चौधरी इस बात से खुश थे कि उन्हें 4 कैमरा फोकस दे रहे हैं और दीपक ठाकुर को नहीं। दीपक ठाकुर कह रहे थे कि अभी हम हमारे तरफ फोकस लाते हैं, लेकिन कैमरा सिर्फ रोमिल चौधरी पर टिके हुए थे। वो कह रहे थे कि अब ये कैमरा सिर्फ मुझे फोकस देंगे, अगर फुटेज चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। फिर उन्होंने कहा कि मैं नाचूंगा गाऊंगा, अब देखो मैं डांस करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर वो केवी से कहते हैं कि भाई मुझे ना भरतनाट्यम का कोई 11 स्टेप सिखा दो। तो यहाँ पर केवी उन्हें कुछ स्टेप सिखाते हैं और रोमिल चौधरी उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।